पहले शंका, जय गुरुदेव न्यायक देव, प्रभु मैं वास्तव में जो हूँ उसमें लीन होना है या अभी भाव या द्रव्यलिंगी या वन विहारी होना है, समझाने की कृपा करें। और शास्त्र का अनजान हूँ, कुछ भी अविनय हुआ हो तो क्षमा करना। दिनेश धिनोजा, मैं जो हूँ उसी में लीन होना है या फिर भावलिंगे या द्रव्यलिंगे मुनि होना है या फिर वन विहारी संत होना है, मगर सबसे पहले ये तो जाने कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जाने बिना लीनता संभव नहीं। किसी भी पदार्थ को एक बार जानने का नाम ज्ञान है, और उसी पदार्थ को बार बार जानना इसका नाम ध्यान है। जब ऐसे अंतर में वितराग परिणति प्रकट होते हैं, चैतन्य तत्व के आश्रय से वितराग परिणति प्रकट होने पर सहज ही ऐसी दशा प्रकट होती है कि जीव भावलिंगी मुनि धर्म को अंगीकार करता है। मुनि धर्म को अंगीकार करता है यह भी कहने की भाषा है, वास्तव में तो चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होने पर, उपयोग बार बार न्यायक देव में लीन होने पर सहज ही इस प्रकार के राग के विकल्प ही नहीं रहते कि परिवार जनों के संग में रहे। फिर वो सहज दशा प्रकट होती है कि असंग वन विहारी संत हो। अंतर्मुख उपयोग होता है, एक न्यायक देव के अतिरिक्त अब इस जगत में और कुछ भी नहीं दिखता है। जहां जहां भी वह देखता है वह स्वयं को देखता है, मगर वो देखना, वह दृष्टि का सम्यक होना यह सबसे पहले महत्वपूर्ण है। पूछा है कि मैं जो हूं उसमें लीन होना है या फिर अभिभाव या द्रव्यलिंगी या वन विहारी होना। बीमारी को ठीक करो, वस्त्र को बदलने की इतनी चिंता मत करो। बीमारी शरीर में है, वस्त्र में नहीं। वस्त्र बीमार के दिखे और वस्त्र को बदल देने से वह बीमारी नहीं मिटेगी, उल्टा नुकसान ये होगा कि भ्रम खड़ा हो जाएगा कि अब मैं बीमार नहीं हूं। बीमारी तो रही, मगर एक और भ्रम खड़ा हुआ कि मैं बीमार नहीं हूं। इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व को पहचाने। देह में जहां जहां परमाणुओं में एकत्व ममत्व बुद्धि है यह निरीक्षण करें कि मैं कौन हूं। लीन होने की फिक्र न करे, ये तत्व विचार करे, क्या ये अनंत परमाणुओं का पिंड, ये देह मैं हूं। ये देह भी नाम मिला, मगर इस देह को देह के रूप में भी न देखो और मात्र परमाणु का पिंड देखो। शरीर है ये बात भी भूल जाओ,
सिर्फ देह के इन परमाणुओं को पुद्गल मात्र देखो, जड़ मात्र देखो, और चैतन्य स्वभाव का तत्व विचार, ये चैतन्य तत्व विचार हो, इस चैतन्य तत्व विचार में कौन है ये जो जान रहा है, कौन है जो ये देख रहा है, वो देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो। भले ही शास्त्रों के शब्दों को नहीं जानते, मगर चिंता मत करो, शास्त्रों के शब्दों को न जानने पर भी आपको जो ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, इतना तो साहस जगा ये शंका पूछने के लिए। शंका बिल्कुल ऐसी है कि अब तक जिन्होंने भी सत्संग को सुना हो, उनको इतना तो पता है कि आत्मज्ञान के बिना मुनि धर्म नहीं होता, मगर इन्हें इतना भी पता नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं। फिर भी मैं ये कहता हूँ, ये सुपात्र है, ये एक जिज्ञासा जो जगी है, ये सुपात्र जीव का लक्षण है। ये निरीक्षण करो, भेद विज्ञान करो। मुनि होना है, मुनि तो होना है, सभी को मुनि होना है, क्योंकि मुनि धर्म के बिना मोक्ष कैसे। मगर मुनि धर्म के बिना मोक्ष नहीं है, ये जितना सत्य है उतना ही यह भी सत्य है कि आत्मज्ञान के बिना मुनि धर्म नहीं। इसलिए आत्मज्ञान कैसे प्रकट हो, इस पर जोर हो। और जैसे आत्मज्ञान के बिना मुनि धर्म नहीं है, बस ऐसे ही चैतन्य तत्व विचार के बिना आत्मज्ञान नहीं है। और चैतन्य तत्व विचार तब है जब आत्मज्ञानी गुरु के निमित्त से चैतन्य की पुकार सुनी। जिन्होंने स्वयं ने ही अनुभव प्रमाण से इस चैतन्य तत्व का निरूपण किया, उन्हीं के मुख से, उन्हीं की वाणी को अंदर में विचार करते हुए कि मैं परद्रव्य नहीं, मैं परभाव नहीं, मैं ये विकल्प नहीं, विकल्प के प्रवाह को बहता हुआ देखो, विकल्प के प्रवाह को उत्पन्न होता और व्यय होता देखो, और उस पर भी प्रधानता मत दो। ऐसे अनंत विकल्प हुए और गए, इतनी विकल्पों के प्रति उदासीनता हो, विकल्पों के प्रति उदासीनता अर्थात ये क्यों नहीं, ये विकल्प ऐसे ही विकल्प, ये विकल्प जैसे उत्पन्न हो रहे हैं, अनंत विकल्प ऐसे उत्पन्न हुए हैं। महत्वपूर्ण यह है चैतन्य तत्व का विचार, चैतन्य परमात्मा पर जोर, सत्ता स्वरूप द्रव्य पर जोर। जितने भी विकार के भाव उत्पन्न होते हो, उसकी फिक्र मत करो। दर्पण पर कितनी धूल चिपकी है, उसका विचार मत करो। सिर्फ इतना तो तुम्हें अहोभाव आए कि दर्पण सत्ता मात्र है, दर्पण है, बस दर्पण का होना, धूल को मत देखो, दर्पण है ना, और वहां दर्पण है ऐसी सत्ता के स्वीकार से धूल चली नहीं जाएगी। मगर यहां ऐसा अपूर्व चमत्कार होता कि चैतन्य सत्ता या निर्मल ज्ञान सत्ता का स्वीकार होते ही विकार के भावों की धूल सहज ही दूर होती है। मगर दूर हो तो भी क्या, विकारी पर्याय, अविकारी पर्याय, इन्हें भी प्रवाह के रूप में देखना, इनमें भी स्वयं को फैलता हुआ, स्वयं को स्थापित मत करना कि यहां मैं विराजमान हूं, यहां मैं बैठा हूं, कुर्सी पर जैसे तुम बैठो और मैं कुर्सी पर बैठा हूं, ऐसा नहीं। कुर्सी पर मैं नहीं बैठा, तुम्हें लगे कि कुर्सी पर बैठ करके भी ये विचार, मगर चैतन्य तत्व विचार ऐसा ही है। मैं रागादि विकल्पों में नहीं बैठा हूँ,
रागादि विकल्प मई में नहीं हूं। ऐसा जब चैतन्य तत्व विचार हो कि मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ऐसा तत्व विचार भावलिंगी और द्रव्यलिंगी इन विकल्पों से भी तुम छूट जाओगे। किन किन वस्तुओं को छोड़ो तो घर पुत्र पत्नी परिवार, किन किन विषयों को तुम छोड़ो? छोड़ना नहीं है, ग्रहण करना नहीं है। न तो पर पदार्थों को छोड़ना है, न तो मुनि धर्म अंगीकार करना है, न घर छोड़ कर के जाना है, न वन की ओर जाना है। घर हो या वन हो उसकी चिंता ही नहीं, उसकी फिक्र ही नहीं, सिर्फ सत्ता कि जो घर में रह कर के भी, जो घर के साथ संबंध नहीं, और वन में रहकर भी जिसका वन के साथ संबंध नहीं, बस ऐसी ये जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता मात्र पर जोर हो, फिर क्या फर्क पड़ता है कि तुम घर में हो कि फिर तुम वन में हो, फिर तुम पहाड़ के उस शिखर पर हो या फिर तुम गुफा के भीतर हो, या फिर तुम स्मशान में हो या नदी के किनारे पर हो, तुम कहां हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यही तो कारण है कि मुनिराज की वह दशा, आपके अंतर में ये भाव जो जगा, ऐसे ही भाव और भी लोगों के अंतर में जगता है, मगर पूछते नहीं, वरना इतनी दीक्षा क्यों होती? घर छोड़कर के दीक्षा लेने वाले कितने हैं? हजारों लोग दीक्षा ले लेते हैं कल्पना से, भ्रम से कि मैं दीक्षित हो गया, यह जानकर के भी कि तुमने अंतर में पाया क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ दूसरों को देख करके, दूसरों को देख करके खुश होते, खुश होते मान भाव कि इतने इतने लोग जब मेरे पैर छूते हैं तो मैं गलत नहीं हो सकता, मैं इस मार्ग पर गलत नहीं हो सकता। इतने लोग वरना मेरे पैर कैसे छूते? अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ उमराला में शादी थी, मैं बच्चों के साथ में यहाँ बात कर रहा था कि आज देखो अभी शादी का माहौल है, कितने बैंड बाजे बज रहे हैं, लड़की की शादी है, बैंड बाजे बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, उछल कूद हो रही है, इतने खुश हो रहे। जिसकी शादी हो रही है उसके अंदर ये दृढ़ता होती है, ये दृढ़ता कि इतने इतने लोग जब नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं और इस घटना का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं जिस रास्ते पर जा रही हूं वह रास्ता सच्चा ही होगा, क्योंकि ये देखा कि इतने लोग खुश हो रहे, नाच रहे, ये ढोल नगारे जो बज रहे, इतने भी लोग झूठ नहीं हो सकते, सब लोग परिवार के लोग रिश्तेदार सब इकट्ठे होते, और फिर माँ बाप भी नाचते, तब तो और पक्का हो जाता है कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो जब नाच करके खुश होते हो, तब तो मैं जिस रास्ते पर जा रही हूं वो रास्ता झूठा हो ही नहीं सकता। सब लोग इतनी खुशियां मनाते हैं, ये रास्ता सच, असली पता तो तब चलता है जब मार्ग पर यात्रा करें, तब पछतावा होता है, तब पीछे मुड़ करके देख सकते हैं मगर जा नहीं सकते। समझदार व्यक्ति भीड़ से प्रभावित नहीं होता, इसलिए हजारों लोग भी मेरे चरण को छूते हो, मगर सत्य यही है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने कहा, उन्होंने दीक्षा ले ली, 21 बरस तक दीक्षा पाली, 24 वर्ष की उम्र से लेकर 45 वर्ष की उम्र तक दीक्षा का पालन किया, श्वेतांबर संप्रदाय में वस्त्र के साथ में,
और वह भी अंतर की परिणति की निर्मलता के बिना। आत्मा में कोई शुद्धता ऐसी प्रकट नहीं कि भावलिंगी मुनि के योग्य वितराग परिणति प्रकट हुई हो। फिर उन्होंने दीक्षा छोड़ दी। लोगों ने कहा उनका पतन हुआ, वे नीचे गिरे। ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने दीक्षा छोड़ दी, वो नीचे गिरे, उनका पतन हुआ। मगर उनका पतन नहीं हुआ, उनका विकास हुआ। क्योंकि 21 साल तक जो दुनिया को धोखा दिया था, वो धोखा देना बंद कर दिया। ये स्वीकार कर लिया कि मैं मुनि नहीं हूं। तो पहले जो माया का भाव था दुनिया के सामने कि मैं मुनि हूं, वो माया के भाव से छुटकारा हुआ और स्वीकार किया कि मैं मुनि नहीं हूं, मैं श्रावक हूं, मैं गृहस्थ हूं। स्वयं को गृहस्थ के रूप में स्वीकार किया। लोगों को ऐसा लगे कि नीचे गिरे, वास्तव में तो कषाय का जो कचरा था वो कचरा छूट गया, वो मायाचार छूट गया। मगर दुनिया वाले अब पैर नहीं छुएंगे, ये अज्ञानी जगत अब उनके पैर को नहीं छू सकते, क्योंकि दुनिया को बाहर के वस्त्र दिखते हैं कि कल तक जो चप्पल नहीं पहनते थे आज चप्पल पहनने लगे। अब उनको हाथ नहीं जोड़ना, अब उनको नमस्कार नहीं करना। ये तो धन्य भागी है वे जिन्होंने गुरुदेव के बाहर के देह को नहीं देखा, ये बाहर के रूप को नहीं देखा। और तुम भी मत देखना, ये जो भाव जगा कि वन विहारी होना या आत्मा को पहचानना, स्वरूप को समझो, किसी की नकल मत करो। कल मैंने कहा ना, ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक है जिनको भी ऐसा भाव आता कि जैसे कपड़े मैं पहनता हूं ऐसे ही कपड़े वे पहने। कपड़े तो दूर, दो दिन पहले तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरे पास एक लैपटॉप है, आपके पास में भी लैपटॉप है, आपका लैपटॉप जिस कंपनी का है, जिस मॉडल का है, ऐसा ही मुझे खरीदना है। अब कपड़े भी ऐसे, लैपटॉप भी ऐसा, मगर ये बाहर की नकल है, उससे धर्म का क्या संबंध है? धर्म का संबंध ही नहीं। यहां तो ये कहा कि वितराग परिणति की भी नकल मत करना, गुरु को प्रकट हुई वितराग परिणति की नकल मत करना। न्यायक पर दृष्टि होती है कि वितराग परिणति प्रकट होती है, उतना भी वहां देखना नहीं कि वहां देख करके वो वितराग परिणति प्रकट नहीं होगी। अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य नियम का पालन करना, सदाचार का पालन करना, इस भूमिका में अधूरी दशा है। इसलिए ऐसी शंका हो सकती है, फिर भी ये जो जिज्ञासा जगी और शंका पूछी है, इसलिए कहता हूँ कि सबसे पहले आत्मा में लीन होना, लीन होने से पहले मैं आत्मा हूँ ये स्वीकार करना, ऐसी श्रद्धा करना, और श्रद्धा से भी पहले मैं आत्मा हूँ ये जानना, और जानना तत्व विचार के बल पर, इसी के संबंध में दूसरी शंका है। समस्त शंकाओं और जिज्ञासा का समाधान करने वाले परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि मुझे रात में 3-3, 4-4 बजे तक नींद नहीं आती है, तत्व विचार करती हूँ या फिर आपके अपूर्व सत्संग सुनती रहती हूँ। कभी लगता है कि सत्संग सुन लूँ, कभी लगता है कि तत्व विचार कर लूँ, तथा तत्व विचार करते करते दूसरे विचार आते हैं, तब लगता है कि सत्संग सुन लूँ, मन स्थिर रहेगा। इस प्रकार से विचार चलते रहते हैं, इसलिए हे गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए? ज्यादा तत्व विचार करना चाहिए कि सत्संग,
ये मेरी प्रैक्टिकल एक जिज्ञासा है, इसका समाधान दीजिएगा आपकी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक चंद्राबेन भिलाई। चैतन्य तत्व के जिज्ञासु जीवों में आप जैसे जीवों को मैंने प्रमुख देखा है। आप जैसे जीवों की जो चैतन्य तत्व की जो रुचि है, बरसों तक आपने पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को भी सुना है और आपका प्रत्यक्ष योग भी रहा है, फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति से वंचित रहे, मृत्यु से पहले चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति अवश्य होगी। ये जो शंका अंतर में जगी कि चैतन्य तत्व विचार हो या फिर सत्संग हो, मगर दो में से कोई तीसरा विकल्प नहीं है, दो में से तीसरा कोई विकल्प नहीं, या फिर चैतन्य तत्व विचार और सत्संग। शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है, भगवान बुढ़ापा आया, ये शरीर अभी बैर बिखेर होने की तैयारी में है, मृत्यु की घड़ी नजदीक आई है, देह के परमाणु बैर बिखेर हो और हड्डी यहीं पर ही रह जाए, हड्डी के परमाणु उड़ करके कहीं ना जाए और राख उड़ जाए। इस दृश्य का मुझे आज सुबह ही विचार आया था, यह जागृति कि अरे ये क्या हुआ, ये चमत्कार हुआ, ये क्या हुआ कि हड्डी तो यहीं पर ही रह गई और देह के परमाणु में ये शरीर राख होकर के उड़ रहा है। सत्ता जो घन, ऐसा घन यह हड्डी को मैंने घन के रूप में आज सुबह ही आंख उठते ही, आंख खुलते ही मैंने देखा। यही विचार पहला आया कि हड्डियां ऐसी ढेर, ये घन हड्डियां पड़ी है और राख उड़ रही है। राख बाहर थी, राख तो जैसे गंगा में बहती हो, वो राख तो बाहर थी और वहां सिर्फ हड्डियां थी, हड्डियां घन है, घन हड्डियां वहां पर थी। ये सब चमड़ियां जल चुकी है, मांस जल चुका है, खून जल चुका है, हड्डियां सिर्फ वहीं पर है, घन है वो वहीं पर ही है और जो परमाणु ऐसे है, ये परमाणु बैर बिखर होकर के उड़ते हैं। और तभी मैंने ये देखा कि चैतन्य घन सत्ता मात्र अपने स्थान पर ही रहता है और राग के विकल्प, एक एक समय की ये राग के विकल्प की पर्याय ये उड़ती है, ये बहती है। जैसे तुम देखो कि हड्डियां सिर्फ वहीं पर है और राग उड़ती है, ये विकल्प आया कि नींद खुली, अभी आंख खुली, ये विचार मुझे आ रहा है कि ये हड्डियां यहां है, मगर ये विकल्प था, हड्डियां यहां है ये विकल्प, राख उड़ रही है ये विकल्प, मगर ये जो विकल्प है, ये विकल्प भी तो वो राख की भांति उड़ रहे हैं और जो ध्रुव सत्ता वो तो यहीं पर है। ये भेद विज्ञान, नींद जल्दी खुल गई। मगर पूरी रात भर यही विचार था, ये इसलिए सहज जिज्ञासा भी आई, तीन तीन चार चार बजे तक नींद नहीं आती है, त्रिकाल जागृत, फिक्र मत करो, जबरदस्ती सोया नहीं जा सकता और जबरदस्ती जागा भी नहीं जा सकता। देह के परमाणु
जब भी नींद आती हो या नींद न आती हो, मुझे तो भावलिंगी मुनिराज की वह दशा स्मरण में आते हैं। यही पूर्व तैयारी है। मैं तो आपके जैसे जीवों के ये जब पुकार सुनता हूँ कि मुझे अब नींद नहीं आती है, रात में बड़ी मुश्किल से 2 घंटे सोना होता है, मुझे तो मुनिराज स्मरण में आते हैं, आरजी का स्मरण में आती है कि सहज ही चैतन्य के आश्रय से सहज ही वह नींद चली गई। क्योंकि जैसे जैसे परिणति में निर्मलता होती है ना, ऐसे नींद भी कम होती जाती है। उसका संबंध है 4थे गुणस्थान, 5वें गुणस्थान, 6ठे गुणस्थान और उन गुणस्थानों से आगे पूर्ण वितरागता के गुणस्थान, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान। ऐसी दशा 4थे गुणस्थान में तो नींद आती है, जैसे अज्ञानी को आती है ऐसे ही ज्ञानी को आती है। मगर नींद के काल में सम्यक दृष्टि सोता नहीं है, जागता है, नींद को भी जानता है, वो बेहोशी के कारण पता नहीं चलता। अज्ञानी को, ज्ञानी को नींद में भी ये जागृति रहती है कि देह सो रहा है, जानने वाली चेतना सोती नहीं। ये कैसे जाना? ये स्वयं के अनुभव से जाना कि जानने वाली चेतना सोती नहीं। और इसके बारे में मैंने आपको कुछ वीडियो दिखाए जब छत्तीसगढ़ के ज्ञान दीपक यहां पधारे थे कि नींद में भी तुम्हारे अंतर में अंतिम समय पर जो विचार चला, उन्हीं विचारों को तुम स्वप्न में देखते हो, वाणी भी यही निकलती है, पूरी रात भर यही वाणी भी निकलेगी, तुम्हारे अंतर में विचार कैसा चला दिन भर। इसलिए दिन भर तुम्हारे अंतर में चैतन्य तत्व विचार चलता है। इसलिए मैंने 2 दिन पहले ये कहा ना, आधी रात को भी नींद खुले कि मैं चैतन्य, यहां परमात्मा की जागृति, स्वयं की जागृति। ऐसे ही विकल्प में, हाँ ऐसे विकल्प में क्या करें, ऐसी दशा प्रकट होती है। जितना 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 अंतर में चैतन्य तत्व विचार दृढ़ हो, बस फिर उसका परिणाम आधी रात को भी आए बिना नहीं रहेगा। वो विचार वहां पर भी ऐसे ही चलेगा नींद खुलते ही। बाहर में मैं सुनता था जो मुझसे बड़ी उम्र के, वो कहते रात को सोते समय ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। सोते समय यदि ज्यादा पानी पिया तो मध्य रात्रि में रात को नींद फिर खुलेगी, उठना पड़ेगा, पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। बहुत पानी पी करके सोए तो रात को फिर नींद खुलेगी। सोने से पहले तुमने पानी पिया तो फिर रात को नींद खुलेगी और वह कार्य फिर वहां पर उसका विसर्जन करने जाना पड़ेगा। यदि रात को सोने से पहले तुम चैतन्य तत्व का ऐसा दृढ़ चिंतन करके सोते हो तो आधी रात को तुम्हें नींद नहीं आ सकती, नींद खुलेगी। तुम इतने बेहोश और मुर्दे की भांति सो ही नहीं सकते। तुम्हारे अंतर में ये विचार चलेंगे, फिर तुम उन विचारों को स्वप्न मत कहना, वो नींद में भी चलते हैं, वो चैतन्य के विचार। इसलिए ऐसे ज्ञान दीपक जो है, जो ये कहते हैं कि रात को नींद नहीं आती, ये तो बुढ़ापा आया और नींद नहीं आती, मगर भर जवानी हो, जवानी में भी नींद चली जाए, ऐसा हो सकता है, नींद ही न आए, ऐसा हो सकता है। इसका विचार मुझे तब आता था जब मैंने मुंबई में 78 घंटे तक दिन रात बोला, नॉन स्टॉप 78 घंटे 3 रात और 3 दिन से भी ज्यादा मैं वहीं पर ही बैठा था, श्रोता आते थे और जाते थे, 78 घंटे। वो कोई आत्मा की अनुभूति नहीं थी, मगर उस समय ये विचार आया कि 78 घंटे बीत गए,
सिर्फ चैतन्य की पुकार की एकाग्रता हो तो 78 घंटे का पता नहीं चलता। सिर्फ पुकार की बात कर रहा हूं, अनुभूति की नहीं। सिर्फ विचार की बात कर रहा हूं, अनुभूति की नहीं। जब अनुभूति होती है तब तो फिर पता ही नहीं, बाहर का पता नहीं, काल बदलता है। मगर पहला ही ये विचार, वो पुकार नहीं, विकल्पों की पुकार। वो वहां और मैं यहां, गांव में ऐसा होता है, यहां सुबह सुबह नींद खुल जाती है। और आज की नींद खुलने का कारण यही था, सबसे पहले यही, मुर्गे बांग देते, पुकारते हैं मुर्गे, कुकड़े कुक। और वो जो पुकार मैंने सुनी, वो पुकार हो, वो पुकार सुनी और नींद खुली। पुकार सुनते ही नींद खुल गई, पास में ही बहुत मुर्गे हैं। पुकार सुनी और नींद खुली, मगर ये बाहर का विकल्प था कि मुर्गे ने पुकारा, कहाँ पुकारा, बाहर ने, और मैं कहाँ हूं, मैं तो अपने कमरे में बैठा हूं। मुर्गे बाहर पुकार रहे हैं और मैं भीतर बैठा हूं, और वो पुकार मुझे मुर्गे की ही लगी। और वो कौन सा मुर्गा? ये नींद खुली, ये विकल्प का मुर्गा पुकारा। विकल्प का मुर्दा, जब तुम्हारी नींद खुले और ये विकल्प आए कि मैं उठा, उन विकल्पों को ही तुम मुर्गे का बांग देना, ऐसा तुम देखो। और ये देखो कि मैं अपने कमरे में नहीं, अपने चैतन्य महल में बैठा हूं, और ये विकल्प, तब तुम विकल्प से ऐसा भेद विज्ञान करते हो भगवान। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य तत्व क्योंकि विकल्पों में तरंग, विकल्पों में टकरावट है, विकल्प पुद्गल है, विकल्प जड़ है, विकल्प मुर्दा है। और चैतन्य की शुद्धता और वो ज्ञान की धारा को तुम देखते हो, मिला हुआ नहीं देखते, तब तुम देखते हो कि मुर्गे ने पुकारा, बाहर पुकारा, बाहर की पुकार भीतर आई। यहां तो बाहर की वो विकल्प की पुकार सिर्फ ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई, सिर्फ ज्ञान में जानने में आई। तुम प्रयोग करो, एक दो दिन तुम ये प्रयोग तो करके देखो कि रात को सोने से पहले भले तुम लेट जाओ, मगर सोना है। अब सोने के लिए मैं पलंग पर लेटा हूं, तुम सिर्फ ये विचार करो, ये लेटना है, ये जो विकल्प आया, ये विकल्प मैं नहीं। यहां सिर्फ जानना हो रहा है, जिसे सोना है, जिसे जागना है, वो कोई और, उसे मुर्गे में डालो, वो मुर्गा है, वो मरने वाला है, वो कटने वाला है, वो विकल्प है, वो विकल्प की मृत्यु है। विकल्प में तड़पना है, तड़पन है, मरते समय भी विकल्प में वहां तड़प है, आकुलता व्याकुलता है। हे ज्ञान दीपक, रात को नींद नहीं आती, मगर चैतन्य चैतन्य का यदि जोर है तो भेद विज्ञान होगा, चैतन्य तत्व विचार होगा। जो सुना है उसका विचार करना, विचार करके जो शंका हो उस शंका के समाधान के लिए सत्संग सुनना, ये दोनों बात। पूछा है चंद्रा ने कि सुनू या फिर तत्व विचार करूं, दोनों सुन करके जब सुनने की क्षमता कम होने लगे, ऐसा भी होता है, सुन सुन करके भी भाव पूरी तरह से समझ में न आए, एक ही जगह पर बैठना हो, एकाग्रता से कान रख करके वहां सुनना हो, फिर पूरी एकाग्रता से सुन नहीं सकते, थकान लगती है। 78 घंटे तो मैं बोला था, लोग तो 8-8 घंटे में आते थे और जाते थे,
उस समय तो लोग कहते थे जैसे जेल में कोई कैदी है और चौकीदार 8-8 घंटे में बदलते हैं, ये चौकीदार बदलते थे। मैं तो कैदी की भांति वहीं पर 78 घंटे बैठा था, मगर वो आए और वो गए। 8-8 घंटे में उनका आना और जाना हो, सुनना कितना हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा, फिर उसमें भी मर्यादा होगी, सदा काल सुविधा भी नहीं होगी। इसलिए तत्व विचार करना, जहां सुनने की सुविधा ना हो, सुनकर के थकान लगती हो, सुनकर के ही उस विषय पर इतना विचार चलता हो, तो फिर ऐसा भी होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई वाक्य सुना और बाहर के विचार आए। शुरुआत में 5 मिनट तक सत्संग में जो सुना, किसी व्यक्ति को 5 मिनट के बाद में अपने घर के परिवार के विचार आए, और किसी व्यक्ति को 5 मिनट के बाद में 1 से लेकर के 5 मिनट तक जो सुना, शुरुआत का 5 मिनट उस समय जो कहा गया उसका विचार चल गया, और फिर 5 मिनट के बाद में जो कहा वो फिर सब बोला गया, मगर उसने सुना ही नहीं, वो विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है। और ऐसा भी यदि अवसर आता है तो भी निराश मत होना। मैं ये खास कहता हूं आपसे, यदि सत्संग सुनते समय मगर भाव से, हाँ, वो जो शब्द आप सुनते हो उस शब्द का भाव आपके अंतर में चले। वाणी तो चलती रहती, पूरी वाणी में सुन लूँ और घर जाकर के चिंतन करूँ, ऐसा नहीं। फिर से कहता हूँ, पूरी वाणी को मैं सुन लूँ और घर जाकर के चिंतन करूँ, 1 घंटे का सत्संग सुनूँ और फिर मैं उसका विचार और चिंतन घर जाकर करूँगा, 1 घंटे के बाद करूँगा, ऐसा नहीं। इसलिए तो मैंने ज्ञान दीपकों को कहा, सुनो, सिर्फ 2 वाक्य भी सुने मगर उसका विचार चलता है। आज तो सुविधा है, तीर्थंकर भगवान के काल में वो सुविधा नहीं थी कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को पॉज कर दे, वहां तो वाणी खिरती ही रहती है, वाणी को थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकते, वाणी तो खिरती रहती है। मगर वहां जो जीव ऐसे थे जो तीर्थंकर भगवान के समोसरण में भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध हुए, वो कैसे घर जाकर के विचार करने वाले नहीं, और उन्होंने जब विचार किया होगा तब वाणी तो छूटी गई होगी, क्योंकि करण लब्धि में जब प्रवेश होता है वहां देशना नहीं, प्रायोग्य में भी देशना का ही प्रयोग करता है, वहां पर भी क्या सुन रहा हो उस पर ध्यान नहीं है, यहां अंतर में प्रयोग है। देशना तो 3रे नंबर पर, प्रायोग्य और करण 4थे 5वें नंबर पर, और जब वो करण लब्धि में प्रवेश करता है अंतर मुहूर्त काल तक, वो करण लब्धि में तो अंतर मुहूर्त काल तक वो वाणी कीर्ति रहे, मगर इसने सुनी ही नहीं। ऐसा चैतन्य तत्व विचार और सम्यक दर्शन लेकर के वो समोसरण से बाहर आए, गया था मिथ्या दृष्टि, आया सम्यक दृष्टि। हे ज्ञान दीपक, कोई और, कोई और, कोई और, ये क्या हो गया? वो गया और वापिस ना आया, वो कहीं और चला गया। ऐसे बहुत से लोग हैं, उन्हें तो वापिस आना था ना। कोरोना के दौरान इतनी मृत्यु हुई, इतने लोग मरे, मेरी पहचान में भी बहुत लोग मरे, अस्पताल गए, अस्पताल से वापिस नहीं लौटे, गए तो अस्पताल और वहीं से ही चल दिए स्वर्ग की ओर, गए थे तो अस्पताल, अस्पताल से घर न आए, कहीं और चले गए। ये परिवर्तन हो गया कि मनुष्य गया मगर वापिस घर में न आया, ऐसा होता है ना, बीच रास्ते में भी मृत्यु हो, अकस्मात हो, कहां से कहां चला जाता है, डाइवर्जन हो गया, मार्ग बदल गया। मैंने आप ज्ञान दीपकों के लिए भगवान ये भावना पाई, जब ये चैतन्य की पुकार होती हो, आपके अंतर में ऐसा भेद विज्ञान हो
कि ये सभा गृह में आप प्रवेश करें तो मिथ्या दृष्टि हो, मगर बाहर जाने वाला कोई और हो। कहाँ गया और कहाँ से आया, कौन गया और कौन आया, ऐसा ही लौटता हो वापिस, ऐसा ही व्यक्ति जो आनंदित उल्लसित होकर के घर में वापिस लौटा, घर वालों को कह करके निकला कि मेरा रत्न है वो रत्न खो गया, मैं जाता हूं बाजार में ढूंढता हूं रत्न को। रत्न को ढूंढने बाजार में गली गली घूमा, कितना दुखी कितना तड़पता हुआ घर से निकला, और जब वापिस वो आया तो कितना आनंदित होकर के रत्न मिल गया। मगर उसके भीतर एक आनंद और है, रत्न मिल गया, कहां से मिला, मेरी जेब में ही था। गया तब कितना दुखी था, रत्न तो था मगर दुखी दुखी होकर के रत्न के साथ जा रहा था, और वापिस आया तो समझ से वो अपने घर में आया रत्न को पाकर के। जब तुम प्रवचन सुनने गए तब रत्न को तो लेकर गए थे, भटकने गए, प्रवचन सुनने गए माने भटकने गए, वाणी वाणी में भटकने गए, पर में भटकने गए, वाणी में आत्मा को ढूंढने गए, और तुमने अंतर में स्पर्श करके देखा ज्ञान में ज्ञान की स्पर्शना से कि तुम अपने घर में वापिस लौटे रत्न को पाकर के भगवान। इसलिए हे ज्ञान दीपक, नींद नहीं आती है, बुढ़ापा है, अंतिम घड़ी आई है, मृत्यु की घड़ी अब नजदीक है, तैयारी करो, इसे सौभाग्य समझो। नींद नहीं आती ये सौभाग्य, पूरी तरह से सदुपयोग कर लो, यही तो विचार आता है, मुझे भी नींद नहीं आती, मगर यही विचार आता है कैसी होगी वह मुनिराज की दशा, सारा जगत मध्य रात्रि में गहरी नींद में सो रहा हो और भावलिंगी मुनि उसी अंधेरी रात में उसी समय निर्विकल्प आत्म ध्यान में अतीन्द्रिय आनंद का झरना अंदर से फूटता हो और वो वहां पर लेटा ना हो, सोता ना हो, वो वहां पर न सोता हो, ऐसे मुनिराज की दशा, भावलिंगी मुनिराज की दशा, पलंग पर नहीं लेटता, भावलिंगी मुनि पलंग पर नहीं लेटते, वे जमीन पर लेटते हैं, जमीन पर लेटते हैं ये कहा है, जमीन पर सोते नहीं कहा, क्योंकि वे जागते हैं, वे जमीन पर नहीं सोते, जमीन पर नहीं सोते हैं, उसका भाव ये कि देह के परमाणु इसको मैं जमीन के रूप में देखता हूं, मैं भी जमीन पर सोता हूं, मैं भी पलंग पर नहीं सोता, मेरे कमरे में पलंग नहीं, मैं पलंग पर नहीं सोता हूं, मैं नीचे सोता हूं, मगर नीचे सोने के पीछे एक भाव है, मुनिराज नीचे सोते हैं, मुनिराज पलंग पर नहीं सोते, नहीं, मुनिराज जमीन पर सोते ही नहीं है, मैं जमीन पर नहीं सोता क्योंकि मैं परमाणुओं में नहीं सोता, ये परमाणुओं में नहीं सोता, ये जागता हुआ चैतन्य, मैं परमाणु में नहीं सोता, ऐसा हूं मुनिराज जमीन पर न सोते हो। और कोई कहे ऐसा कैसा कि मुनिराज को कोई पूछे कि आप जमीन पर सो रहे हो, आप जमीन पर सो रहे हो और वहां पर ही दो पत्थर हो और दो पत्थर टकराए और एक आवाज एक ध्वनि उत्पन्न हुई, मुनिराज का ध्यान नहीं और ध्वनि उत्पन्न हुई और उस ध्वनि में से ये वाक्य निकला
कि मैं सोता नहीं। मगर वो जो टकरावट पत्थर की हुई, वो मुनि नहीं, वो पत्थर की टकरावट, वो पत्थर की टकरावट है, वो मुनि नहीं है। मुनि तो मुनि में मस्त है, ये पत्थर की टकराहट, ये टकराहट कि मैं सोता नहीं, और अंतर में मुनि अपने में लीन, इतना ही दूर दिखता है ज्ञानी को ये होठों की टकराहट। ये पड़ोस में है पत्थर जो टकराते हैं, और ये ध्वनि उत्पन्न होती है कि मैं सोता नहीं हूं। ये पत्थर की टकराहट, मगर मुनि को तो पता भी नहीं कि वहां पत्थर की टकराहट हो रही है। मुनि मुनि में मस्त है, ज्ञान ज्ञान में मस्त है। हे ज्ञान दीपक, तत्व विचार करो और सत्संग करो। सत्संग तत्व विचार, इसी से ही तो वितराग परिणति प्रकट होती है। इसी से उपयोग एक समय ऐसा आता है कि अंतर्मुख होता है। मगर चैतन्य का लक्ष्य होने से निराश मत होना। बस एक ही न्यायक को मुख्य करके तत्व विचार करना। तीसरी शंका, व्हाट इज डिटैचमेंट, निर्मोही दशा क्या है? जितना सोचती हूं उतना ही लगता है समझ नहीं आया। बहुत जगह पढ़ा सुना लेकिन टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। निधि जैन, पलावल। निर्मोही दशा, किसी भी परद्रव्य पर पदार्थ और प्रभावों में अपनापन न होना, और नीज आत्मा में अपनापन होना, ऐसी दशा को निर्मोही दशा कहते हैं। आत्मा का मोह नहीं है, आत्मा की पहचान हुई, आत्मा में एकत्व हुआ। आत्मा में एकत्व होते ही सहज ही पर पदार्थों से एकत्व छूट जाता है। जब ये विचार चलता है उस समय विचार में भी विकल्पों में भी ऐसा भाव रहता है कि ये भाव मैं हूं, तब तक मिथ्यात्व रहता है, क्योंकि वो भावों में भी एकत्व रहे। इसलिए निर्मोही दशा देखता है सारे जग को, मगर जिसमें अपना कोई नहीं है ऐसा देखता है। रुचि है स्वरूप की, रहता है देह के साथ, देह के संयोगों के साथ में। दुकान पर जैसे कोई जाता हो और दुकान पर जाकर किसी सेठ के वहां नौकरी करता हो, सिर्फ बस माल निकालता है, ग्राहक आता है, ग्राहक को माल दिखाता है, मगर यह जागृति की इस दुकान का मालिक मैं नहीं। और बोलना उसकी भाषा भी कैसी है, ग्राहक जब कहे तो यह कहता है ये माल इतने का है, ये इतने का है। ग्राहक कहे इतने में दे दो, नहीं ये तो मुझे नहीं परवड़ता, मेरे सेठ को नहीं परवड़ता, नहीं ये मुझे नहीं परवड़ता, मैं नहीं दूंगा, आप किसी और के पास में बाद में आ जाना, मेरे पास यहीं पर आना पड़ेगा।
मेरे पास से ही वस्तु मिलेगी, पता है कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं। बोलने की भाषा अलग है मगर वहां अपनापन नहीं है, अपनापन वही जो तनख्वाह उसको मिलने वाली है, बस उसी की उसको रुचि है, उसका ही उसे मोह है। नौकर होकर के किसी सेठ के वहां काम करता हो, रात को बहुत देरी हो गई हो, 10 बज गए, सेठ ने कहा एक काम करो, रात को 10 बज गए, यहीं पर ही सो जाओ, सुबह फिर तुम्हें 6 बजे जल्दी यहाँ पर आना पड़ेगा, आज रात को यहीं रुक जाओ। बिल्कुल साफ है, बहुत बड़ा बंगला है, मगर वह नौकर कहता है नहीं, मैं अपनी झोपड़ी में जाऊँगा। इतना साफ बंगला, इतनी सुविधा, फिर भी वो जहाँ मच्छर मक्खी है, मच्छर मक्खी काटते हैं, ऐसी झोपड़ी में रात बिताने जाता है। उसके पीछे भी भाव है कि यदि यहाँ रात को सोया है तो एक नौकर सोया है, और वहाँ झोपड़ी में सोया है तो एक मालिक सोया है। वो कहता है मैं जाग रहा हूँ नौकर होकर के, मगर नौकर होकर के सोना नहीं चाहता, मैं विश्राम करना चाहता हूं मालिक होकर के। अपनापन वहां झोपड़ी में है, जहां अपनापन है वहां कैसे भी करके मर करके भी जीव वहीं पर ही रहना चाहता है कि जहां अपनापन है। यही तो कारण है कि शरीर में इतनी वेदना होती हो, मगर जब वो देह में इतना अपनापन है, उस समय भी कोई कहे नहीं कि मर जाए तो अच्छा है, ये तो भी अच्छा नहीं लगता। मरने का कहा, शरीर कैसा है ये नहीं देखते, ये शरीर में अपनापन, शरीर की सुंदरता के कारण शरीर में अपनापन नहीं है, ये मिथ्यात्व का भाव। इसलिए अफ्रीका का ऐसा व्यक्ति, काली चमड़ी वाला, जो यहां आए तो लोग उस पर हंसे कि अंधेरे में वो सिर्फ हंसता हो तो सिर्फ दांत दिखाई दे, इतनी काली चमड़ी वाला, मगर ऐसे व्यक्ति भी जब दर्पण के सामने अपना चेहरा देखते हैं तो लगता है कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, मैं आज सुंदर दिखता हूं, और जो दिखता हूं वही मैं हूं, और ये तो मनुष्य। मगर निगोदिया भी, आलू प्याज में भी जो जीव है, उन्हें भी जो इतने छोटे से परमाणु में एकत्व है कि यही मैं, सोचना नहीं पड़ता। माँ के गर्भ में जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय तो इतने छोटे परमाणु हैं, मगर इतने सूक्ष्म परमाणु में भी वो जो जीव का जन्म हुआ, उसने ये मान लिया कि ये मेरी सत्ता। जरा तुम विचार करो, 3 लोक और 3 काल, ये लोकालोक को जानने का सामर्थ्य एक समय की ज्ञान की पर्याय में, ऐसी अनंत ज्ञान की पर्याय जिस भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होती, ये भगवान आत्मा मैं, ये विचार ही ना आए, और वो परमाणु बस ये मैं, बस इसी का नाम मोह है। और परमाणु चक्रवर्ती की संपदा हो तो भी, अब एक बार न्यायिक देव की दृष्टि हुई, अब सहज ही पर पदार्थों में अपनापन नहीं होता, समझ लिया वो कटने पर दुख नहीं होता, गठान होती है ना, जब तक शरीर का अंग माना था, ये माना कि ये शरीर मैं, कोई व्यक्ति रास्ते पर निकले और चाकू तो क्या एक सुई लेकर के भी यहां पर चुभाए तो दर्द होता था, झगड़ा लड़ाई हो जाती थी, मगर डॉक्टर ने पूरा वह भाग काट दिया और डॉक्टर ने यह कह दिया कि ये जो है ये गठान है, ये बीमारी है। डॉक्टर के प्रति कोई द्वेष नहीं, वो भी तो शरीर का अंग था ना,
मगर वो अंग अंग के रूप में नहीं देखता, अब वो देखता है कि वो एक बीमारी थी, बीमारी कटी। जैसे शरीर में गठान हुई और गठान अलग हो जाए और वो देखे कि ये बीमारी अलग हुई है, ये मैं नहीं कटा, ये तो बीमारी गई। ज्ञानी को जैसे वो गठान पड़ी हो, ऐसे ही ज्ञानी को पूरा देह अभी ऐसा दिखता है कि ये देह के परमाणु अभी ऐसे है और मैं दूर हूं, इसमें अंतर नहीं दिखता, ये दोनों में अंतर नहीं दिखता। ऐसे ही दोनों में अंतर न दिखे, ये जागृत है। ये दृश्य मुझे इसलिए स्मरण में आता, उसे तो कोई भी लेना देना नहीं, वहां पर जो है वो ढेर वहां पर है, पूरा नया कुछ भी नहीं हुआ। उसका भाव ये निर्मोही दशा, नाई के पास गए बाल कटवाने, बाल कटाए, एक इंच बाल है, आधे इंच कटा दिए, आधे इंच और अभी सिर पर है। अज्ञानी को जो कट गए बाल, उस बाल में अब कोई लेना देना नहीं, मगर ये जो बाल है अभी, वो बाल मैं हूं, ये मेरे है, उस बाल के साथ में जो भी बर्ताव होगा अब वो मेरा नहीं, उसको ये प्रति अब उसको वो भाव नहीं रहा, उसका मोह नहीं रहा। वो बाल नीचे गिरे कटे हुए बाल है, उसका मोह नहीं रहा। ये बात झूठी है, कटे हुए बाल का अज्ञानी को मोह नहीं होता, ऐसा नहीं, मोह होता है, क्योंकि उसने ये माना है कि ये मेरे बाल थे, अभी नहीं है मगर कल तो ये मेरे थे, ये मेरे ही कटे हुए बाल है, ये किसी और के नहीं, ये मेरे कटे हुए बाल है, तुम उसके साथ जो बर्ताव करना है वो करो, मगर वो कटे हुए बाल मेरे, कटे हुए बाल मेरे। और ज्ञानी को ये जागृति कि न वर्तमान में ये पिंड मेरा है, ना मेरा था, न मेरा हो सकता है, ये तीनों काल में ऐसा भेद विज्ञान त्रिकाली न्यायक के आश्रय के बिना हो नहीं सकता, इसलिए त्रिकाली के आश्रय से यह दशा प्रकट होती है, त्रिकाली के आश्रय से यह दशा प्रकट होती है। डिटैचमेंट, कहीं पर भी अब रहे, तीनों काल में पर पदार्थों से भेद विज्ञान होता है, इसलिए अज्ञानी के पास कोई वस्तु अभी है और वस्तु चली जाए, उसे ऐसा लगता है अब वह मेरी नहीं। दुकानदार को ऐसा होता है, जो सामान अभी उसने बेचा है अभी वो मेरा नहीं है, मगर थोड़ी देर पहले मेरा था। ग्राहक को ऐसा लगता है कि अब जो रुपये मैंने दुकानदार को दे दिए वो मेरे नहीं, मगर थोड़ी देर पहले मेरे हाथ में थे, वो मेरे थे, पहले मेरे थे अब मेरे नहीं, बाद में मेरे होंगे, मैं कमाई करूँगा और कमाऊँगा, बाद में मेरे होंगे। त्रिकाली चैतन्य का स्वरूप जब समझता है तो स्वरूप में ये समझता है कि जिस स्वरूप में त्रिकाल, ये परमाणु होते ही नहीं है, ये स्वरूप में, इसलिए एक एक का मोह नहीं छोड़ना पड़ता। ये स्वरूप की जागृति होने पर किसी भी पर पदार्थ में एकत्व होता ही नहीं है, ऐसा है, ऐसा है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, किसका मोह छोड़ना, उस पर तुम ज्यादा जोर मत देना, ये मोह का संबंध ही चैतन्य में नहीं है। फिर से कहता हूं, उन वस्तुओं का मोह मत छोड़ना
गाड़ी का मोह छोड़ता हूं, मैं धन का मोह छोड़ता हूं, मैं पद प्रतिष्ठा का मोह छोड़ता हूं। नहीं, ज्ञानी को जब चैतन्य की अनुभूति हुई तो अनुभूति में ये समझ आई कि गाड़ी पद प्रतिष्ठा ये नहीं, इसके प्रति जो मोह का भाव है, जड़ के प्रति ये जो मोह का भाव है, वो मोह का भाव यहाँ नहीं, यहाँ चैतन्य है, यहाँ मोह नहीं है, मोह नहीं है, चैतन्य है। ये स्वीकार होते ही वो मोह रहा ही नहीं, ऐसा मोह को दूर नहीं किया, मगर गाड़ी बंगला आत्मा में नहीं है ऐसा नहीं, गाड़ी बंगले के प्रति जो मोह का भाव है, ये मेरा ऐसा जो भाव है, ये भाव चैतन्य सत्ता में नहीं है। ये सत्ता का स्वीकार हुआ कि गाड़ी तो पड़ी रही घर के बाहर, मगर गाड़ी का मोह नहीं रहा, क्योंकि मोह से न्यारी चैतन्य सत्ता को देखा है। ये इतना सूक्ष्म भाव है भगवान, ऐसा ये सूक्ष्म स्वरूप है, ये चैतन्य स्वरूप ऐसा है। त्रिकाली ध्रुव न्यायक के आश्रय से ये दशा प्रकट होती है। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं को ऐसी दशा प्रकट होगी, बस अवकाश मत देना, सत्संग सदनिमित्त जितना हो सके, बस सत्संग और सदनिमित्त में रह करके निरंतर चैतन्य तत्व विचार हो, जिसका परिणाम निर्विकल्प अनुभूति नियम से है। आज इतना ही।